हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जिसकी रक्षा एक रहस्यमयी साधु कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि शिवलिंग की रक्षा रहस्यमयी साधु कर रहे हैं, मगर आपने बिल्कुल सही सुना कि इस दुर्लभ शिवलिंग की रक्षा एक रहस्यमयी साधु कर रहे हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग हजारों लाखों साल पुराना नहीं बल्कि कई करोड़ों साल पुराना शिवलिंग है। बताया जाता है इस मंदिर के बारे में वो जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इस द्वीप पर रहने वाले साधु ने खुद भगवान शिव को इस द्वीप पर चलते हुए देखा था। और आखिर कौन है वो साधु, आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं इस द्वीप पर इस शिवलिंग की रक्षा? जी हाँ दोस्तों, इस पूरी घटना को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि आखिर कैसे हो सकता है ये सब और आज तक हमें इस बात का पता क्यों नहीं चला। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है साल 1970 की। एक महान तपस्वी साधु ने कावई नामक द्वीप पर भगवान शिव को वहां चलते हुए देखा था और ये नजारा देखकर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो खुद की आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वो सोच में पड़ गए। तभी इस घटना के बाद उस साधु को हमेशा ऐसा लगता था कि भगवान शिव इस द्वीप पर हमेशा आते जाते रहते हैं। और उस परम तपस्वी साधु ने घोर तपस्या की और फिर इस द्वीप पर भगवान शिव जी का ध्यान लगाया और फिर उनकी अंतरात्मा से आवाज आई, इस जगह पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनाया जाए। ये मंदिर प्राचीन तरीके से बना होना चाहिए और इसमें स्थापित शिवलिंग प्रकृति और दुर्लभ होना चाहिए। और समुद्र के बीचों बीच बने इस द्वीप का नाम है काव्य द्वीप। और जिस साधु ने भगवान शिव को चलते हुए देखा था, जिन्होंने इस द्वीप पर शिवलिंग को बनाने का काम शुरू करवाया, उनका नाम है शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी। जी हाँ, इस द्वीप पर आज भी भगवान शिव के नंदलाल संप्रदाय से जुड़े हुए कई साधु रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी साधु भारतीय नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से विदेशी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विदेशी साधु हैं, मगर शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था और देखा गया है कि उनका बचपन से ही भगवान शिव में आस्था और विश्वास था। थोड़े बड़े हुए तो भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए और उनकी साधना करने लगे। फिर बाद में जाकर वो नंदीनाथ के संप्रदाय के 162वें गुरु बन गए। जब गुरु बनने के बाद उन्होंने करीबन 170 के दशक में काव्य द्वीप पर भगवान शिव को चलते हुए देखा और फिर बाद में भगवान शिव से प्रेरणा पाकर उन्होंने यहां पर एक भव्य मंदिर बनाने की योजना की। उन्हें ऐसा शिवलिंग चाहिए था जो कि पूरे तरीके से प्राकृतिक हो और जो कि धरती पर पाए जाने वाला सबसे ठोस और दुर्लभ पत्थर हो और उसके लिए ये भारत आए। उन्होंने ठीक वैसा ही शिवलिंग ढूंढा और शिव जी की कृपा से उन्हें वैसा ही शिवलिंग मिल गया जैसा वो ढूंढ रहे थे। ये शिवलिंग धरती के सबसे मजबूत क्रिस्टल से बना था। शिवलिंग और मंदिर बनाने के लिए सारे सामान और कारीगरों के साथ उस द्वीप पर पहुंच गए। इस द्वीप पर मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया। जैसे जैसे मंदिर बनता गया, उसका स्वरूप आश्चर्यचकित होता गया। इस मंदिर को बनाने के काम में एक भी टेक्नोलॉजी या मशीन का प्रयोग नहीं किया गया। ये मंदिर पूरी तरीके से आधुनिक परंपरा के अनुसार बनाया गया, जिससे दक्षिण भारत के कुशल कारीगरों ने बहुत ही मेहनत और बहुत ही बारीक रूप से इस मंदिर की सुंदरता को बनाया। वो बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से परिपूर्ण है और इस शिवलिंग के संपर्क में आते ही लोग पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको इस द्वीप पर मौजूद शिवलिंग और मंदिर के बारे में मालूम था? ऐसा बहुत से रहस्यमय मंदिर भारत में हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। उनमें से एक ये मंदिर भी है जो एक द्वीप के बीचों बीच स्थित है और शक्तिशाली मंदिर है। और इस मंदिर की रक्षा कर रहे साधु, उनका कहना है कि यहाँ पर शिव जी आते जाते रहते हैं और उनके आने का आभास उन्हें होता है और इसी तरह से ये मंदिर भव्य रूप से बनाया गया है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और पूरे श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं। क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे रहस्यमय बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।